नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं एक खास बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दो दिन बाद हमारे चैनल को 10 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर प्रदेश के कुछ ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों द्वारा अपने संदेश भी हमें भेजे गए हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। 10 साल पहले जब ये चैनल बना था, तब हिमाचल में यूट्यूब अथवा वेब चैनल का दौर नहीं था और बड़े कम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते थे। तो उस दौरान कंप्यूटर पर ये चैनल क्रिएट किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल और जिला सिरमौर की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार और दूरदराज क्षेत्रों की समस्याओं को उजागर करना था। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया से जो पहलू छूट जाते थे अथवा जिन्हें स्तरीय नहीं समझा जाता था, उनको भी हम अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहते थे। तो आज 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और इस दौर में मोनेटाइज भी हो चुका है चैनल। हालांकि शुरुआती दिनों में मुझे पता नहीं था कि चैनल मोनेटाइज करना होता है अथवा इससे अर्निंग भी हो सकती है। तो अब हालांकि ये बहुत बड़ा चैनल नहीं है अभी भी, मगर इसका जो उद्देश्य था वो लगभग पूरा होता दिख रहा है और हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं सहयोग के लिए और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए चैनल को। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, जेपी न्यूज संग्रह को 10 वर्ष पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई। इसके जो एडमिन है जयप्रकाश भाई, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जेपी न्यूज संग्रह जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो मुद्दे उठाते रहते हैं और जो संस्कृति के ऊपर आधारित जो नया टैलेंट है उनको आगे लाने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई आप पूरी टीम को और आगे भी आप यूं ही लोगों की जो आवाज़ है समाचार के माध्यम से उठाते रहें, जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनको आप लोगों के सामने लाते रहें। बहुत बहुत बधाई जेपी न्यूज संगड़ा। जय जय रेणुका मैया की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई है संगड़ा से जेपी शर्मा, उनका कल 16 अक्टूबर को उनका एक चैनल इन्होंने बनाया था। उस चैनल को पूरे 10 साल हो जाएंगे, तो मैं जेपी भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कल आपके चैनल को पूरे 10 साल हो जाएंगे 16 अक्टूबर को। तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई, आपका चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। जय हिमाचल, जय भारत। ये इस बात की खुशी है कि जेपी न्यूज संग्राह जिला सिरमौर ने अपने चैनल के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जहां तक मैं देख पाया हूं इस चैनल को, पिछले 10 वर्षों के दौरान इन्होंने न केवल अपने इस इलाके की समृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे इसमें लोक संस्कृति के जो हमारे लोक विधाएं हैं उनका भी इस चैनल के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार हुआ और साथ में इन्होंने पत्रकारिता के उच्च मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर जो खबरें डाली और इस चैनल के माध्यम से जो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम किया। तो मैं इस जेपी न्यूज चैनल के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इन्हें 10 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन मूल्यों को लेकर इन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान काम किया ये भविष्य में और अच्छा काम करेंगे और पत्रकारिता ही नहीं बल्कि हमारी जो समृद्ध लोक सांस्कृतिक विधाएं हैं उनके संवर्धन और संरक्षण में भी अच्छा काम करेंगे। शुभकामनाएं।